किरण चौधरी ने काम करवाए हैं वो अस्से फालतू जी तो सौम में से अस्से फालतू यादव चौधरी बंसीलाल ने नहीं किया विकास कार्य। विकास कार्य के मुद्दे पर वोट दिया जाएगा, इन्होंने बहुत विकास कार्य करवाए हैं किरण चौधरी ने, लोगों से जुड़ेगा ना, उसके बाद में मौका मिलेगा भाई कौन किसा है, गांवों में घूमे 104 गांव है, 104 गांव में लोगों से मिलना बैठना मिलना जुलना ये सारी बातें होती है, उसके बाद में सारे काम होंगे। श्रुति जीतेगी जी, बिल्कुल जिताएंगे। हाँ बिल्कुल श्रुति जीतेगी जी, काम कराए जी। मान लो जी सौरभ बना रखे तू शाम तो हरे गांव में आज तक, मान लो हरे गांव में वो होता है, लेकिन तू शाम मलगम आज तक किसी की रिपोर्ट नहीं आई मारा गांव पानी बिना पैसा मर जाए। बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा पहुंची है तो शाम विधानसभा क्षेत्र के झामरी गांव में, काफ़ी सारे लोग हमारे साथ यहां पे मौजूद है, इन्हीं की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ रहेगा। बाबू जी क्या रहेगा आपकी बार तो शाम में? तो शाम में जी बीजेपी की श्रुति चौधरी जीतेगी। जीत जाएगी? हाँ जी पक्का सोच लीजिए, पक्का 100% जीतेगी। वजह क्या? वजह के विकास कार्य कराए हैं मैडम ने, हरे गांव में पानी की टंक, पानी की व्यवस्था, तो शाम में मान लो अस्पताल लगा लो, झील लगा लो, घूमने फिरने के लिए जगह, अच्छा अस्पताल, अच्छा झील, सारा सौदा रहने के, बहुत बढ़िया विकास कराया जी तो शाम में, एक पर्यटन स्थल की तरह कामयाब कर रखा जी तो शाम। हाँ जी, तो अगर हम बात करें उनके पिताजी की तो क्या उन्होंने भी काम करवाए थे या फिर उनके दादाजी की? दादाजी ने चौधरी बंसीलाल ने अच्छे काम कराए थे, सारा हरियाणा का कराया था उसने, तो सारा हरियाणा के विकास पुरुष थे वो तो। अच्छा सुरेंद्र जी कैसे इंसान थे? बहुत मिला तो इंसान थे जी, वो सबसे मिलते थे प्रेम से। अब मिले कभी? हाँ खूब मिले हम तो, बहुत रहे उनके साथ काफ़ी दिनों, साथ रहे हाँ। क्या कुछ खास था उन्हें? खास वो खुश मिजाज के इंसान थे, हर एक की इज्जत रखे करते वो। किरण चौधरी में और उनमें क्या फर्क है? वो एक जमीनी लीडर था जी, किरण चौधरी तो मान ली दिल्ली में MLA रही, फिर दूसरे चुनाव में हार गई थी, वो यहाँ से जुड़ी नहीं थी, अब थोड़ा बहुत लोगों से जुड़ी हुई है। अब जुड़ी हुई? हाँ वो तो मान ली जब बचपन से लगा लो आप, चौधरी बंसीलाल 67 में आए थे, उससे दौरान ये गांव में घूमते थे, उसकी तो अच्छी पेंट थी चौधरी सुरेंद्र सिंह की तो। किरण चौधरी ने काम करवाए हैं वो अस्से फालतू जी, तो सौम में से अस्से फालतू, इजा तो चौधरी बंसीलाल ने नहीं किया विकास कार्य जितना किरण चौधरी। हाँ जी कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, बाबू जी क्या रहेगा आपकी बार तो? विकास कार्य के मुद्दे पर वोट दिया जाएगा, इन्होंने बहुत विकास कार्य करवाए हैं किरण चौधरी ने और चौधरी बंसीलाल जी ने, इन्होंने अच्छे काम करवाए हैं विकास। तो अनिरुद्ध भी उन्हीं के परिवार का लड़का है? परिवार का है लेकिन वो निकला हुआ नहीं है उसे घर से, लोगों से मिला नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए जो है उसको थोड़ा जानकारी कम होने के कारण या और कुछ उसमें थोड़ा मिलनसार भी हो ना तो भी फर्क पड़ता काफ़ी वो लगता है। तो कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी इसलिए हमें वोट दीजिए, हमें विधानसभा में भेजिए। देखो सरकार चाहे किसी की बनो, विकास कार्य जो इन्होंने करवाए हैं ना उसको जनता भूल नहीं सकती, उस विकास के नाम पर इनको वोट मिले, उस विकास के नाम पे वोट देंगे और भी काफ़ी। बाबू जी कौन जीतेगा आपकी बार तो शाम में? कौन जीतेगा तो शाम में? ये जीता कौन? सुरती चौधरी जीत जाएगी। हाँ जी पक्का जीतेगी श्रुति चौधरी। श्रुति जीतेगी। वजह? वजह विकास। विकास तो और लोग भी कहते हैं, हम भी करवाएंगे तो आगे तो उनको दे देंगे, विकास करवाएगा वो। मौका दोगे तभी तो देंगे। मौका तो अभी तो उस टाइम मिलेगा श्रुति को, लोगों से जुड़ेगा ना उसके बाद में मौका मिलेगा भाई कौन किसा है, गांवों में घूमे 104 गांव है, 104 गांव में लोगों से मिलना बैठना मिलना जुलना ये सारी बातें होती है, उसके बाद में सारे काम होंगे। बात सुनो आप, अगर बंसीलाल की रसद मांग रहा है ये तो बहुत ज़्यादा बिहानी भी पड़ता है जी, अगर बंसीलाल का फटप्पा मानते बंसीलाल हमारा फलान देखे मैं पता हूँ तो बड़े तीन चुनाव क्यों आ रही है, राष्ट्रीय पार्टी से आ रहे, कोई जान पहचान तो बनाते नहीं है, मानो ना आप बाड़ा से राष्ट्रीय पार्टी चुनाव तीन हारे हैं ये यार, लो पुरुष माले बंसीलाल का गढ़ है भिवानी, तो इसमें भिवानी भी आएगी दादरी भी आएगी बाड़ा सारे सेकंड चुनसी हैं, बंसीलाल के नाम तो हवा है लेकिन इसमें मिलने सारा आदमी नहीं है जी। बाबू जी क्या रहेगा आपकी बार तो शाम? श्रुति जीतेगी। हाँ जी श्रुति जीते बोलिए। हाँ जी क्या रहेगा? श्रुति जीतेगी जी, बिल्कुल जिताएंगे। हाँ बिल्कुल श्रुति जीतेगी जी, काम कराए जी। क्या काम कराए? अस्पताल बनवाए, रे थाना बनवाया, तहसील बनवाई जी।
और तुम्हारे बस स्टैंड नया बनवाया, पानी की सप्लाई हर पूरे हर जगह काम कराए जी, काम करवाए। हाँ, काम के हिसाब से काम करवाए हैं। बाबू जी क्या क्या काम करवाए? देखो जी, पहले तो जी आप लगाओ जी अस्पताल जी बस स्टैंड है, लड़कियों का कॉलेज है, चौधरी बंसीलाल गर्ल्स कॉलेज है जी, घूमने के लिए झील है जी, पार्किंग है। अच्छा जी, ये मान लो जी तहसील है और यो आईटीआई चौधरी सुन सिंह आईटीआई है, कोर्ट है, कोर्ट भी है, तहसील है, दोनों बनवा रखी हैं जी, थाना भी नया बनाया गया जी। मान लो जी सड़क बना रखे तुसाम, तो हरे गांव में आज तक मान लो हरे गांव में वो होता हुआ, लेकिन तुसाम मलगम आज तक किसी की रिपोर्ट नहीं आई, मारा गांव पानी बिना प्यासा मर रहा है। बाबू जी बहुत सारे काम गिनवाए इन्होंने, सच्चाई है? हाँ बिल्कुल सच्चाई है साहब, इन्होंने विकास कार्य करवाए हैं हर गांव में, जितने भी तुसाम हल्के के गांव हैं उनके अंदर शायद ही कोई ऐसा गांव पे चला होगा जिसमें पानी की डिग्गी नहीं हो जी। और हमारे जो विकास के काम गिनवा रहे सही है? हाँ बिल्कुल सही है। देखिए तमाम जो लोग हैं झामरी के वो ये साफ तौर से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चौधरी बंसीलाल के परिवार की बात करें या किरण चौधरी की बात करें, तमाम लोगों ने विकास के अनेक ऐसे कार्य करवाए हैं जिससे कि 2024 के विधानसभा चुनाव में भी जनता उनका साथ देना चाहती है। हालांकि क्या कुछ रहेगा ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल एक बात तो तय है कि पूरा हलका इस बात को लेके ये साफ कर रहा है कि विकास के मुद्दे को लेकर अब की बार वो वोट करेंगे, और वो विकास जो है वो चौधरी बंसीलाल के परिवार ने करवाया है, श्रुति चौधरी ने करवाया है, किरण चौधरी ने करवाया है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित वाशिष के साथ अजय लोहान, बिंदास रेणा।